बारहवीं पास युवक मात्र 5 सालों में ही 70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का मालक बन बैठा है। हालांकि यह आंकड़े पुलिस की प्रारंभिक जांच में मिले हैं, जिनके बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एलपीजी कालाबाजारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एमआईडीसी पुलिस की कार्रवाई। वस्तु एवं सेवा कर महानिदेशालय के नागपुर मंडल ने मंगलवार को अंतर्राज्यीय नकली बिलों के माध्यम से 131 करोड़ रुपए से अधिक के नकली लेन देन करने वाले 3 करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की। फिर से कोरोना वायरस का कहर, पिछले 24 घंटों में जिले में 443 नए मामले, 12 मौतें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिलाध्यक्ष नागपुर शहर अमित दुबे व उनके शिष्टमंडल ने हिंदू मुस्लिम का परिचय देते हुए मुस्लिम भाइयों की दरगाह में टीन के शेड लगाने के लिए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। दिवाली होते ही कोरोना संक्रमण बढ़ा, स्वास्थ्य क्षेत्र से संकेत मिले थे कि दिवाली के बाद कोरोना लहर वापस आएगी, ये संकेत सही साबित होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। युवा कांग्रेस ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर अनाथ बच्चों को कंबल वितरण किया। शहर के संत टुकड़ोजी वार्ड में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी हनुमंत बालकृष्ण इरखेड़े, इनके घर पर बुधवार दोपहर 2 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने लोहे के सलाख से दरवाजे का ताला तोड़कर घर का सामान फैलाकर लगभग 2.25 लाख के सोने के गहनों पर हाथ साफ किया। विकास कार्यों को लेकर हुए विवाद में पार्षद पति ने की नगराध्यक्ष के साथ मारपीट। राष्ट्रीय वारकरी परिषद वर्धा जिला प्रसिद्धि प्रमुख पद पर रुपेश मस्के की नियुक्ति।